हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सेकंड हैंड लग्जरी और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम स्कोडा की एसी कार्स कवर करने वाले हैं जो कि हमेशा से ही बहुत ट्रेंडिंग रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट लॉरा देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्कोडा की रैपिड है और यहाँ पे आपको चार चार स्कोडा की ऑक्टाविया देखने को मिलने वाली है। अगर आप लास्ट में देखें तो वहाँ पे आपको एक स्कोडा की सुपर्ब भी देखने को मिलेगी जो कि पूरा ही न्यू शेप है। तो इस वीडियो में मैं इन सारी कार्स की डिटेल्स कवर करने वाला हूँ और आपको इन सारी कार्स की कंडीशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कार हम देखने वाले हैं वो है स्कोडा की लॉरा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर कलर में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कार की जो है वो एक्सटर्नल कंडीशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे इस कार के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलने वाली है और नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी मिलती है इस कार के अंदर। ये मॉडल जो है वो 2012 का मॉडल है। आप इसके अंदर देख सकते हैं आपको 5-spoke अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डिस्क ब्रेक भी है इसके अंदर और यहाँ पर आपको साइड के मिरर में इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। आप इसकी अगर कंडीशन देखें तो आपको पूरी क्लीन कंडीशन में कार जो है वो मिलती है। मैं अगर आपको दूसरी साइड से भी दिखाऊँ तो आप दूसरी साइड से भी इस कार की जो है वो कंडीशन देख सकते हैं। इस साइड से भी इस कार की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं आपको इस कार का जो इंटीरियर है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इस कार के अंदर देखें तो इस कार के अंदर आपको बेज कलर का जो है वो इंटीरियर देखने को मिलने वाला है और जो डैशबोर्ड है वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखें तो आपको पूरा ही एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है और इस कार के अंदर आपको 4-spoke स्टेयरिंग व्हील जो है वो मिलता है और जो ट्रांसमिशन है वो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे आपको एसी के और कुछ इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं। काफ़ी मज़ेदार कार है ये अंदर से। अगर आप पीछे का साइड का इंटीरियर देखें तो ये भी काफ़ी हद तक प्रीमियम लगता है और इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। आप पूरी कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पीछे भी जो है वो एसी के ब्लोअर्स मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से कार जो है वो आपको अंदर से पूरी देखने को मिलती है। तो अभी अगर हम इस वाली कार के बारे में बात करें तो इस कार की मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। ये कार जो है 2018 रजिस्टर कार है, वाइट कलर में फर्स्ट ओनर कार है और बिल्कुल भी रेस ड्रिवन कार है। सिर्फ और सिर्फ 20,000 किलोमीटर जो है ये कार चली हुई है। ये कार भी आपको डीजल देखने को मिलने वाली है और हमने जो पिछली कार देखी वो भी डीजल है, मैं आपको बताना भूल गया। और इस कार की अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो ये कार आपको 13 लाख में मिलने वाली है यहाँ पे, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। और इस कार के ऊपर भी आपको फाइनेंस है वो मिलने वाला है जो कि 9,10,000 तक का फाइनेंस इस कार के ऊपर आपको मिलने वाला है। मतलब आप ये कार जो है वो 3,90,000 तक घर ले जा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं स्कोडा की ऑक्टाविया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार चार जो है वो ऑक्टाविया देखने को मिलने वाली है और सारी की सारी जो है वो कार्स सेम ही शेप की है। आप देख सकते हैं सारी कार्स आपको पूरी अच्छी कंडीशन में मिलती है। इसके अंदर की 3 व्हाइट कलर में है और 1 रेड कलर में है। तो सारी की सारी कार्स जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैं आपको इसमें से कोई एक कार का जो है वो इंटीरियर दिखा देता हूँ क्योंकि सारी की सारी कार्स का इंटीरियर जो है वो आपको सेम ही मिलने वाला है। तो मैं आपको इस रेड वाली कार का जो है वो इंटीरियर दिखा देता हूँ क्योंकि ये कार जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखती है बाहर से। इसका जो रेड कलर है वो काफ़ी अमेजिंग दिखता है। यहाँ पे आप इसकी जो है वो हेडलाइट्स देख सकते हैं, इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं और नीचे आपको DRLs मिलती हैं, नीचे यहाँ पे फॉग लैंप्स मिलते हैं आपको। और एक कार जो है वो काफ़ी कूल दिखती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक जो है वो मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं। आप इस कार की जो पूरी कंडीशन है वो देख सकते हैं। मैं आपको एक बार इस कार का जो है वो इंटीरियर दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप ये कार जो है वो अंदर से देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लग्जरियस कार है। इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही कूल है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इस कार के अंदर आपको सेमी डिजिटल जो है वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे इस कार के अंदर आपको वुडन फिनिशिंग भी मिलती है जो कि काफी प्रीमियम लुक देती है इस कार को। अगर हम इसके रियर साइड में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे आपको एसी के ब्लोअर्स मिलते हैं और इस कार का जो इंटीरियर है वो आपको बेज एंड ब्लैक कलर में मिलता है। काफी अच्छा और प्रीमियम लगता है ये इंटीरियर और ये कार है भी लग्जरियस कार। आप देख सकते हैं पूरी प्रीमियम तरह से कार बिल्ड की है। पीछे का भी आप इस कार का लुक देख सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है ये कार पीछे से भी। इसके जो टेल लैंप्स है वो भी आप पूरे देख सकते हैं।
सारी की सारी कार जो है वो ऑक्टावे आप देख सकते हैं। सारी की सारी कार्स बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैं आपको एक बार इन सारी कार्स की डिटेल्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस रेड वाली ऑक्टावे जो है उसकी डिटेल्स बता देता हूँ। ये कार जो है वो 2014 रजिस्टर कार है और डीजल वेरियंट है। 85,000 किलोमीटर चली हुई है और फर्स्ट ओनर कार है। इस कार की जो आस्किंग प्राइस है वो है 10,90,000 रुपीज़, जो कि नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। और इस कार के ऊपर भी आपको जो है वो फाइनेंस अवेलेबल होने वाला है, जो कि 7,60,000 तक का फाइनेंस आपको इस कार के अंदर जो वो मिलने वाला है। मतलब आप एक कार जो है वो 4 लाख के अराउंड घर ले जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। अभी हम व्हाइट वाली कार की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कार जो है ये 2014 रजिस्टर्ड कार है और 77,000 किलोमीटर चली हुई है। एक कार आपको यहाँ पे जो है वो व्हाइट कलर में देखने को मिलने वाली है और फर्स्ट ओनर कार है। इस कार की जो आस्किंग प्राइस है वो है 8,75,000 रुपीज़, जो कि नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। और इस कार के अंदर भी जो है वो आपको फाइनेंस का ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि 6,10,000 तक का आपको इसके अंदर जो है वो फाइनेंस मिलने वाला है। मतलब ये कार भी आप 3-3.5 लाख के अराउंड घर ले जा सकते हैं। तो अभी हम तीसरी स्कोडा के ऑक्टेविया के बारे में बात करते हैं। तो आप इस कार की अगर कंडीशन देखें तो इसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है और ये कार भी 2014 रजिस्टर्ड कार है। मतलब आपको सारी की सारी कार जो है वो सेम ही शेप की देखने को मिलने वाली है। और ये भी कार जो है वो 85,000 किलोमीटर चली हुई है, वाइट कलर में, फर्स्ट ओनर कार है और ये भी डीजल वेरियंट है। आपको मैं बता दूँ, हम आज जो कार्स कवर कर रहे हैं वो सारी की सारी कार जो है वो डीजल वेरियंट्स है। अगर आप इस कार की प्राइस के बारे में बात करें तो ये कार जो है वो 7,25,000 में यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी डील है स्कोडा ऑक्टाविया के लिए। इस कार के अंदर भी आपको फाइनेंस जो है वो अवेलेबल मिलने वाला है, जो कि 5 लाख तक का आपको इसके अंदर फाइनेंस मिलने वाला है। मतलब ये कार भी आप 3 लाख के अराउंड घर ले जा सकते हैं। और ये जो फोर्थ वाली ऑक्टाविया है वाइट कलर में, इसकी डिटेल्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है, पर ये कार भी आपको सिमिलर कीमत में जो है वो देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सेम ही शेप की कार है। ये भी आपको 2015 का जो है वो मॉडल देखने को मिलने वाला है। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, क्योंकि इसकी प्राइस अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं स्कोडा के सुपर्ब के बारे में, जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट कार है। आप इस कार के लुक्स देखें तो ये बिल्कुल ही आपको पूरी ही लग्जरियस कार देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर आपको बहुत सारी जो है वो क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है। और आप अगर इसके हेडलैम्प्स भी देखें तो आपको काफ़ी इसके अंदर प्रीमियम हेडलैम्प्स मिलते हैं। इसकी जो लुक है वो काफ़ी शार्प लुक है। तो इसके अगर हम अलॉय व्हील्स की बात करें तो इसके अंदर आपको थोड़े से बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और इनकी भी प्रोफाइल जो है वो काफ़ी अच्छी है। इस कार का जो कलर जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कलर है और यहाँ पे आपको साइड में इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप कुरे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी क्रोम प्लेटिंग मिलती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है ये कार। आप पीछे से भी इस कार को देख सकते हैं, पीछे से भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है इसका जो लुक है वो। पूरी कार की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन है, पूरी क्लीन कंडीशन में कार जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। आप इस कार की एक बार की देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह की जो है वो की देखने को मिलने वाली है। की भी काफ़ी प्रीमियम है और इसके ऊपर भी आपको क्रोम प्लेटिंग जो है वो देखने को मिलती है। अनलॉक करने के बाद इसकी जो साइड मिरर्स है वो अपने आप से ही जो है वो खुल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आप अगर इस कार के जो है वो इंटीरियर के बारे में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लग्जरियस आपको इस कार के अंदर इंटीरियर मिलता है। इसके अंदर आपको क्रीम कलर का जो है वो इंटीरियर मिलता है और ब्लैक कलर में आपको डैशबोर्ड मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट के जो है वो ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपको सारी लग्जरी कार्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं और इसके अंदर आपको जो है वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलती है। इसका जो डैशबोर्ड है वो भी काफ़ी प्रीमियम है और इस कार की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन आपको यहाँ पे जो है वो मिलती है। अगर आप इसके रेयर इंटीरियर की बात करें तो ये भी आपको काफ़ी प्रीमियम मिलता है। आप इसकी पूरी कंडीशन जो है वो देख सकते हैं, पूरी क्लीन कंडीशन में कार जो है यहाँ पे खड़ी है। अभी हम अगर इस कार की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये कार जो है 2017 रजिस्टर्ड कार है और 80,000 किलोमीटर जो है ये कार चली हुई है। इस कार का जो कलर है वो आप देखें तो इस कार का जो कलर आपको बिजनेस ग्रे नाम से आपको ये कलर देखने को मिलता है और ये कार है भी काफ़ी बिजनेस क्लास कार जैसी। इसके अंदर आपको काफ़ी लग्जरी फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं। इस कार की जो आस्किंग प्राइस है वो 20,50,000 रुपीज़, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। अगर आपको इन कार्स में से कोई सी भी कार पसंद नहीं हो तो आप कारमोल नासिक में आके विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके इन कार्स की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा, हमने जो है वो ऑक्टाविया कवर की, लॉरा कवर की और स्कोडा की रैपिड भी हमने जो है वो कवर की है। तो ये जो कार है ये भी हमने कवर कर ली है।
तो ये कार भी आपको काफ़ी अच्छी प्राइस में जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो सारी की सारी कार की जो कंडीशन है वो भी अच्छी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग सेकेंड हैंड कार्स की वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ, और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे जो सरप्राइज जो है वो लेके आने वाला हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।